बार्गेनिंग करनी पड़ती है मगर मिल जाते हैं साथ साथ आपको कन्फेक्शनरी में होल सेल रेट पे जूसेस हो गए, दूध हो गए और पैम्पर हो गए, और इसके अलावा जो आपको जो चीज़ है और केचप है ये सब चीज़ आपको मिल जाती हैं यहाँ करीमाबाग की मार्केट पे। तो वजह शोर इसकी एक ये भी है। करीमाबाद की अगर बात करूँ तो यहाँ आपको मिलेंगे स्पोर्ट्स के आउटलेट। जी जनाब, कराची के करीमाबाद पे स्पोर्ट्स के आउटलेट अभी से नहीं, बहुत पुराने हैं, और यहाँ एक बहुत ही मशहूर आउटलेट है जिसका नाम है मियाँदाद स्पोर्ट्स। कहते हैं कि जो मियाँदाद स्पोर्ट्स है वो जावेद मियाँदाद के भाई का है। जावेद मियाँदाद एक बहुत बड़ा नाम है, 1992 वर्ल्ड कप में इनका रोल था, साथ साथ शारजा का छक्का भी हमें याद है इनका कि चेतन शर्मा को उन्हें छक्का मारा था और पाकिस्तान को कप जितवाया था, शारजा कप। और अगर मियाँदाद की बात करूँ तो मियाँदाद वो एक ऐसे बैट्समैन हैं जिनका कहते हैं ना नाम सरे फहरिस्त है पाकिस्तानी क्रिकेट में, कि उनके भाई का जो आउटलेट है यहाँ मियाँदाद स्पोर्ट्स के नाम से है। यही वजह है कि करीमाबाद पे नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आते रहते हैं और चीज़ें यहाँ से ख़रीदते रहते हैं। जब भी यहाँ हो PSL, यहाँ हो कोई भी लोकल मैच, तो यहाँ जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो आते हैं, मियाँदाद स्पोर्ट्स पे विजिट करते हैं, जिसमें बड़े बड़े जो नाम है वो जावेद मियाँदाद का है, इमरान खान का है, राशिद लतीफ़ का है, मुइन खान का है, सनत जयसूर्या का है, ब्रैडली का है, अरविंदर डिसल्वा का है, और कुमार संगकारा का है, और इसके अलावा इंडियन क्रिकेटर्स हैं जिसमें गंगुली है, सहवाग है, ये सब जो है करीमाबाद मियाँदाद स्पोर्ट्स पे आ चुके हैं। तो ये सर फहरिस्त है, वजह शोहरत है करीमाबाद की। साथ साथ करीमाबाद की अगर आपको बताऊँ वजह शोहरत, तो एक वजह शोहरत जो है यहाँ का जो महल वकू है, जो ज्योग्राफिकल इसकी इम्पोर्टेंस है वो एक अलग है। कि आप जो सामने देख रहे हैं ये सामने ब्रिज जा रहा है करीमाबाद का, जो कि पूरे पाकिस्तान को जोड़ता है कराची से। अच्छा आप कहेंगे कि यार ये कैसी बात करो, सिर्फ ये एक ही रास्ता है। जी जनाब, इसकी वजह यह है कि जो भी पोर्ट से ट्रक आता है वो इस करीमाबाद के ब्रिज से होते हुए पूरी कराची पाकिस्तान में फैलता है। तो मेन जो है शाहरा यह है, इसे शाहरा पाकिस्तान कहते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस और इस वजह से है। दूसरी इम्पोर्टेंस जो है करीमाबाद की वो ये है कि ये कराची के सेंट्रल के एरिया में वाक़ है। करीमाबाद सेंटर ऑफ द सिटी है, यहाँ से आपको चाहे नाजमाबाद जाएँ, चाहे औरंगी जाएँ, चाहे भेड़िया जाएँ, चाहे आप सलामपुर जाएँ, चाहे गुलशन जाएँ, चाहे उल्ड कराची जाएँ, आपको यहाँ से होते हुए निकलना है। ये सेंटर ऑफ द सिटी है, कोर पार्ट है कराची का। तो ये है कराची के करीमाबाद की वजह शोहरत। साथ साथ आपको एक और शोहरत बताता हूँ करीमाबाद की, वो ये है कि आपको बताया कि फूड स्ट्रीट्स बहुत चल रही हैं पूरे पाकिस्तान में, और कराची की फूड स्ट्रीट जो है वो सर फहरिस्त है, और कराची की फूड स्ट्रीट में जो सर फहरिस्त है उसमें जो दूसरा नंबर पे नाम आता है वो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट का है। जी जनाब, हुसैनाबाद जो है वो मुंसलिक है करीमाबाद से, और सेंटर ऑफ द सिटी है, फेडरल एरिया में करीमाबाद भी आता है, फेडरल एरिया में ही हुसैनाबाद आता है। ये है सामने करीमाबाद, और करीमाबाद से अब आगे जाएंगे तो आगे जो टूलेट का बोर्ड नज़र आ रहा है यहाँ है हुसैनाबाद, और जो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट है 24/7 खुली होती है। आपको यहाँ हर किस्म के खाने मिलेंगे, रिवायती, देसी, अफगानी, इंटरनेशनल, हर तरीके के आपको खाने मिलेंगे। और जो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट है उसका कोई सानी नहीं है, पहले बंस रोड फूड स्ट्रीट है, उसके बाद दूसरी जो है वो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट है। जो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट है ये सर फहरिस्त है, और करीमाबाद की जो वजह शोहरत है एक हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट भी है। साथ साथ बताना चाहूँगा कि हुसैनाबाद के साथ साथ करीमाबाद की जो वजह शोहरत है वो एक ये भी है कि आज की जो ये वीडियो देख रही हैं, आज की माएँ, आज की नानी, आज की दादी इस बात से एग्री करेंगी, पर दादी पर नानियाँ जो अपने आप को, अपने स्किल्स को बेहतर करने के लिए आई होंगी मेमन फाउंडेशन, जो आई होंगी काका भवानी इंस्टीट्यूट, जो कि सुगरपन में एक आला मिसाल है। हमने अक्सर बचपन में पढ़ की कहानियाँ असगरी और अकबरी, तो जो सुगर बहन थी वो हमेशा कराची की जो सुगड़ माएँ हैं, सुगड़ बहनें हैं, सुगड़ हमारी बेटियां हैं, वो ज़्यादातर जो है मेमन फाउंडेशन और काका भवानी आती थी जून जुलाई की छुट्टियों में। कि यहाँ से वो सिर्फ लेडीज़ के हवाले से काम किया जाता है और लेडीज़ को स्किल्स किया जाता है, और कहते हैं ना स्किल पे द बिल्स। तो जो स्किल्स हैं मेहंदी लगाने का, सिलाई का, कढ़ाई का, ब्लॉक प्रिंटिंग का, और आजकल तो AI के हवाले से है, MBA के हवाले से है, बहुत सारे कोर्सेज करवा रहे हैं काका भवानी वाले और मेमन फाउंडेशन वाले। तो ये सर फहरिस्त है, तो लोग जो है आते हैं
मेमन फाउंडेशन काका भवानी सोलंकी इस करीमाबाद से होते हुए, तो बजाज शौरत जो है वो करीमाबाद की एक मेमन फाउंडेशन और काका भवानी भी।